क्षेत्र की सुनाई विधानसभा केंद्र में युवा समाज के उद्योग से मादक द्रव्य के खिलाफ एक जागरूकता मूलक सभा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कचार कैंसर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर रवि करनान मादक द्रव्य के विभिन्न पहलुओं पर आलोकपात किए। साथ ही सुनाई माधव चंद्रदास कॉलेज के उपाध्यक्ष साबिर अहमद व दूसरे हस्तियों की उपस्थिति में युवा वर्ग को जहाँ जागरूक किया गया, तो वही दूसरी ओर ड्रग से परे रहने के साथ साथ समाज में मादक द्रव्य सेवन की गतिविधि को कम करने के मुद्दे पर भी कई वक्ताओं ने आलोकपात किया। जब लोग बीमार पड़ जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, मतलब राष्ट्र का प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। एडिक्शन से कभी नहीं सोचना चाहिए केवल हमारे ऊपर फर्क पड़ रहा है, एडिक्शन से हमारे परिवार के ऊपर, हमारे गांव के ऊपर, हमारे राज्य के ऊपर, हमारे राष्ट्र के ऊपर फर्क पड़ता है। एक नंबर, जैसे और लोगों ने बोला, किसी भी धर्म में ये नहीं बोला है कि तंबाकू खाना है, कि गांजा, किसी भी धर्म में नहीं बोला है। जब हम मस्जिद जाते हैं, जब हम मंदिर जाते हैं, अच्छी चीज़ें लेके, फूल लेके जाते हैं, फल लेके जाते हैं, अगरबत्ती लेके जाते हैं, सिगरेट लेके नहीं जाते, बीड़ी लेके नहीं जाते। कभी भी खुदा को या भगवान के दरबार में हम बीड़ी सिगरेट नहीं रखते हैं। ये आदमी का बनाया हुआ एक एकदम यू नो गंदी आदत है जिसको हम पनपने दे रहे हैं। आजकल एडिक्शन, इस उम्र के लोग एडिक्ट नहीं होंगे, 40-50-60 साल के लोग, हमारे मौलाना साहब के एज के लोग कभी एडिक्शन नहीं शुरू करेंगे। एडिक्शन शुरू होता है स्कूल में, तीसरी चौथी कक्षा में। बच्चे कैसे एडिक्ट होते हैं, अपने घर में बुजुर्गों को, माँ बाबा को देखते हैं, बाबा तंबाकू खाता है, बच्चा तंबाकू खाता है। मुझे इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल ने बोला, तीसरी कक्षा की लड़की, उसके स्कर्ट के पॉकेट से तंबाकू निकला, हैनी निकला। अगर हमारे बच्चे किसी भी एडिक्शन से, स्वास्थ्य का असर होने में 10 साल लगता है। अगर हम 20 साल में बीड़ी खाना शुरू करेंगे, 30 साल में स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ने लगेगा, 40 साल में कैंसर होगा, 45 साल में कैंसर का अगर ठीक से इलाज नहीं होगा मृत्यु हो जाएगा, या हार्ट अटैक होगा, 40 साल में कैंसर हार्ट अटैक के कारण मृत्यु होगा। এইসব কিছুই আমাদের যা করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা মাইন্ডসেট তৈরি করা।